द थिंग विच वी आर हैविंग इज मॉर्निंग साइट लॉन्ग बाई करूँ, तो मॉर्निंग साइट किस तरीके से लेंगे? तो मैं मॉर्निंग साइट से स्टार्ट करूँगा एंड आई विल फिनिश विद द मॉर्निंग साइट ओनली. तो ये आई हैव प्रिपेयर्ड दिस ऑल्सो, आई विल पुट द वीडियो इन दिस इट सेल्फ, इसी के अंदर वीडियो डाल दूंगा मैं. अब वो मॉर्निंग साइट लॉन्ग बाई क्रोन को लेना किस तरीके से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि वाई वी आर टेकिंग, क्यों ले रहे हैं हम और कब ले सकते हैं. तो क्यों ले रहे हैं, तो वी नो दैट वी वॉन्ट टू डिटरमाइन ऑब्जर्व लॉन्ग, दैट्स वाई वी वॉन्ट टू टेक. और कब ले सकते हैं, ये हम उसी टाइम ले सकते हैं कि जब हमारा जो सन है, आई जस्ट वॉन्ट शो यू हेयर, जो हमारा सन है या जो भी हमारी सेलेस्टियल बॉडी है वो हमारे प्राइम वर्टिकल सर्कल पे हो, चाहे वो इस साइड हो चाहे वो इस साइड हो, इसी दो टाइम पे लॉन्ग बाई क्रोन लिया जा सकता है. तो यहाँ पे लिखा भी है मैंने यहाँ पे कि पहले भी मैंने ये वाला पोस्टअप किया हुआ था, लॉन्ग बाई क्रोन यहाँ पे और लॉन्ग बाई क्रोन यहाँ पे हम ले सकते हैं. एम्पलीट्यूड यहाँ सेटिंग पे और यहाँ पे राइजिंग पे ले सकते हैं. और इंटरसेप्ट जो है वो बाकी ये यहाँ पे सेंटर में बिटवीन, यहाँ पे बिटवीन, यहाँ पे बिटवीन और यहाँ पे बिटवीन में ले सकते हैं. और जहाँ पे ये ब्रैकेट मारी हुई है यहाँ पे एक्स मेरिडियन लिमिट्स, तो ये एक्स मेरिडियन ले सकते हैं. और यहाँ पे लैट बाई मर, एग्जैक्टली जब मेरिडियन हमारे लॉन्गिट्यूड पे हो जाएगा तो हम लैट बाई मर ले सकते हैं. तो ये तो इट इज़ ओके कि व्हेन वी हैव टू टेक, जब हमारे पास जो भी सेलेस्टियल बॉडी है टेकन व्हेन द सन एट द प्राइम वर्टिकल सर्कल, तो प्राइम वर्टिकल जो सर्कल है हमारा उसके ऊपर जब सन है वो आ जाता है, तब हम उसे देन वी कैन टेक द मॉर्निंग लॉन्ग बाई क्रोन. अब किस तरीके से लेंगे वो देखते हैं कि नाउ वी शुड नो दैट ओवर टाइम द सन और द सेलेस्टियल बॉडी विल बी एट द प्राइम वर्टिकल सर्कल विच कैन बी ऑब्टेन एज बिलो. तो इसमें क्या है कि हमें ये भी पता रहना चाहिए कि वो कितने बजे आ जाएगा, जैसे कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. प्राइम वर्टिकल सर्कल पे आने का मतलब है द बॉडी विल बी 090, तो 090 होने में या 270 होने में, मतलब प्राइम वर्टिकल सर्कल का मतलब 090 हो जाए उसकी बियरिंग या 270 हो जाए उसकी बियरिंग, तभी लॉन्ग बाई क्रोन ले सकते हैं. तो अब हम या तो बार बार हम बियरिंग ले करके वी वेट कि कब उसका 090 होगा, कब उसका 090 होगा, और तब हम जा करके उसका कि कब 090 होगा, बार बार बियरिंग लेते रहे, तो बियरिंग लेने के साथ साथ में हम प्रिडिक्ट करते रहें कि अच्छा अभी होगा अभी होगा अभी होगा. और सेक्सटेंट एल्टीट्यूड भी हमें एकदम एग्जैक्टली, मतलब कि उसी टाइम के लिए सेक्सटेंट एल्टीट्यूड भी हमें बार बार एडजस्ट करके रखना पड़ेगा कि अच्छा इतना हो जाएगा. तो इससे अच्छा है कि वी कैन कैलकुलेट कि वॉट टाइम, वो भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ वे, बट उससे भी अच्छा है कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसमें यहाँ पे जैसे ये सर्कल बनाया हुआ है, ये सर्कल अपना होराइजन, ऐसा होराइजन शो कर रहा है, ये रहे हमारे जेनिथ, ये रहा नादिर, इसके पीछे हो जाएगा पोल, ये रहा ये इक्लिप्टिक रही, और ये रही सन की डेक्लिनेशन मान लेते हैं उस टाइम की. इट कैन बी नॉर्थ साउथ जैसा बनाना है, ये फिगर बस मैंने रेफरेंस के लिए बना के रखा हुआ है कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में ज़्यादा तेजी से समझ में आता है क्योंकि ज़्यादातर हमने डायग्राम्स ऐसे देख के रखे हुए हैं इसलिए. तो ये पोल है, ये वाला जो है ये कोडेक है, ये वाला भी कोडेक है, ये दोनों कोडेक हैं, दीज बोथ आर कोडेक. और यहाँ पे पी जेड ये एक्स ट्राइंगल, ये पी जेड एक्स हो गया, ये पी जेड और ये वाला बड़ा वाला एक्स डैश हो गया. तो क्या है ये बड़ा वाला का पी जेड एक्स डैश, जो ये पी जेड और ये एक्स डैश है, इसमें ये हमें पता है कि कोडेक है, ये जो है ये कोलैट है और ये 90 डिग्री है. तो नेपियस फॉर्मूले से हम लोग आराम से ये पूरा बड़ा वाला पी एंगल निकाल सकते हैं, ये पूरा यहाँ से लेके बड़ा वाला पी जेड एक्स डैश वाले का, और हम पी जेड और एक्स ले लें तो इसमें हमें पी जेड कोलैट और पी टू एक्स ये कोडेक हो जाएगा, ये वाला पी एक्स नॉट एक्स डैश, पी टू एक्स जो है वो कोडेक हो जाएगा, और ये वाला हमारा पी जेड और एक्स में जेड एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ये भी हमें पता है, ये वाला 90 डिग्री ऐसे, ये वाला जब ये 90 डिग्री है ये वाला, तो वी कैन सॉल्व बाय नेपियर्स फॉर्मूला. और ये जो पी स्मॉल वाला है ये पता कर सकते हैं, ये प्रिंसिपल नेविगेशन का कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, वी ऑल हैव डन इट. तो ये वाला एंगल निकल जाएगा स्मॉल वाला, अब ये बड़े वाले से और छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो ये जो डबल एरो वाला है ये निकल जाएगा. तो मैंने नीचे बस यही समझाया हुआ है यहाँ पे कि इन पी जेड एक्स डैश जेड एक्स
ड्यूरिंग राइजिंग, मैंने राइजिंग का टाइम ले लिया था, इसको सेटिंग में भी कर सकते हैं। तो जेड एक्स जो है वो 90 डिग्री है, पी जेड जो है वो कोलाइड है, तो जेड एक्स जो है वो राइजिंग के टाइम पे है, तो ये हमें राइजिंग के टाइम पे है तो इट विल बी 90 डिग्री क्योंकि वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो कैलकुलेट एंगल पी, तो ये वाला जो कैलकुलेट करवा है ये एंगल पी, ये वाला जनरली जो राइजिंग टाइम है वो दिया रहता है, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, मगर उसका यूज़ कब करेंगे अभी नहीं कर सकते हम लोग। तो वी नो दिस एंगल, ये बड़ा वाला एंगल पी, पी जेड और एक्स डैश ट्रायंगल से हमें बड़ा वाला एंगल पी पता चल गया, ओके। नाउ एंड सिमिलरली इन ट्रायंगल पी जेड एक्स, छोटा वाला ट्रायंगल पी जेड और एक्स डैश वाला, तो उसमें पी जेड कोलैट है, पी एक्स जो है कोडेक है, जेड जो है वो 90 डिग्री है, हो गया यहाँ तक। और कैलकुलेट कर लिया हमने स्मॉल एंगल पी, ये वाला, ये छोटा वाला एंगल पी जो कि डबल एरो, डबल जो लाइन मारी उसके नीचे से लेके और यहाँ तक पूरा अपना पी जेड तक, ओके। नाउ द मार्क एंगल पी, ये दो लाइन वाला, विल ऑब्टेन बाई सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। अब इसको टाइम में कन्वर्ट कर लेना है, तो जब हम टाइम में इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि नाउ वी नो दैट व्हेन द सन विल बी 90 डिग्री आफ्टर द सनराइज, जब उसे स्मॉल एंगल पी को, इस वाले को, ये वाला जो डबल लाइन वाला है, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया टाइम में, तो हमें राइजिंग टाइम पता रहता है हर लैटिट्यूड का, और वो हम अप्रोक्सीमेटली निकाल लेते भी हैं, वी कैन इंटरपोलेट एंड वी कैन फाइंड इट आउट राइजिंग टाइम सन का कब होगा, तो उसी में हम वो टाइम को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो हमारे पास कब हमारे प्राइम सर्कल पे होगा, प्राइम वर्टिकल सर्कल पे। तो हम प्राइम वर्टिकल सर्कल पे जब 90 पे होगा उसी टाइम पे हम अपना 5 मिनट पहले सेक्सटेंट भी तैयार कर सकते हैं, या 10 मिनट पहले या 20 मिनट पहले, एज द पीपल थिंक कि 5 मिनट पहले करना 5 मिनट कर लो, 10 मिनट पहले करना 10 मिनट कर लो, 20 मिनट करना है तो 20 मिनट कर लो। तो हम आराम से इसे वी कैन प्रिपेयर ओवर हियर, और उसके बाद प्रिपेयर करके रखा हुआ है और बेयरिंग भी हम देख रहे हैं, जैसे 090 हुए टेक द सेक्सटेंट एल्टीट्यूड। अब सेक्सटेंट एल्टीट्यूड जो हम ले रहे हैं तो वी विल टेक, और यहाँ पे ये वाला फिगर जो है ये मैंने शो अप किया हुआ है कि हाउ वी कैन फाइंड इट आउट, तो इसमें ये वाला जो फाइंड द मैक्सिमम एजिमथ स्टार्ट, इसका भी डेक्लिनेशन है और इसका लैटिट्यूड है, नेपियर्स फॉर्मूले से इसने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है। तो क्योंकि हमें ना हमारा DR यहाँ पे पता रहेगा जनरली, हमें यहाँ पे अपना DR पता रहेगा और GMT पता रहने की वजह से हमें डेक्लिनेशन भी पता रहेगा, वो थोड़ा नीचे अभी समझ में आ जाएगा, वैसे भी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सबको पता है कि यहाँ पे हमें DR हमारा पता रहेगा और GMT पता रहेगा, तो GMT से हम डेक्लिनेशन निकाल लेंगे, उस सन का निकाल सकते हैं, तो सन का डेक्लिनेशन वहाँ से निकल जाएगा। तो वी कैन सॉल्व इट आउट दिस, तो दिस वे से इसमें 11.33 फिगर, मतलब इस फिगर से किया हुआ है, तो यू कैन जस्ट चेक इट अप और आराम से हो जाएगा सॉल्व, इसमें भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, मतलब जिसको नहीं आता है उसके लिए, वरना वी डोंट हैव टू से दिस इन आवर ओरल ऑल्सो, वी कैन जस्ट से कि ये वाला हम लोग यहाँ से टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, हमें टाइम पता लग जाएगा, और जब टाइम पता लग गया तो हम लोग उसी टाइम पर अपना सेक्सटेंट जो है वो रेडी करके रखेंगे। सेक्सटेंट रेडी करके रख लिया हमने, तो अब सेक्सटेंट रेडी करके रखा तो इसमें बोला है लेट अस अज्यूम इन द अबव कंडीशन द सन इज एट प्राइम वर्टिकल एट 0848 पे, ये बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैंने थोड़ा सा इसे करवा दिया जो कि बेटर अंडरस्टैंडिंग है। मान लेते हैं जो वो हमारे पास आया दैट वाज 0848 पे आया, और 0848 पे हमने क्या किया, 0848 पे हमने क्रोनोमीटर टाइम के हिसाब से जो भी है, मगर ये तो GMT में आ जाएगा, आजकल तो टाइम GMT में है, तो वी एज्यूम दैट वो GMT वाला है कि GMT जो है वो इतना हो रहा था ये, तो इसमें हमने 1, 2 और ये 3 तीन हमने सेक्सटेंट एल्टीट्यूड ले लिए। तीन क्यों लिए, जिससे कि गलती होने के चांसेस ना हो, वी विल नॉट मेक मिस्टेक। तो ये सेक्सटेंट एल्टीट्यूड्स ले लिए इन GMTs पे हमने 29th डे को 1747 49 पे 4808 पे 4828 पे हमने ये ले लिया, ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अच्छा इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो कि ये वाली हैं, ये वाली वी कैन, ये दिस आई हैव गिवन इट ओवर हियर बिफोर, क्योंकि अगर पता ना हो तो वी कैन रेफर, बट वी विल रेफर विद द क्वेश्चन ओनली। अच्छा हमें पता लग गया था हमने तीन ले लिए थे और GMT टाइम मिल गया था, तो GMT से हम GHA निकाल लेंगे, GHA निकल गया हमारा, डेक्लिनेशन भी हम पता कर लेंगे, तो डेक्लिनेशन भी वो तीन टाइमों के लिए, तीन हमारे पास सेक्सटेंट एल्टीट्यूड लिए थे हमने तीन टाइम में, तो तीन टाइम में तीन डेक्लिनेशन ये
बल्कि वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये तीन डेक्लिनेशन और GHA जो है ये भी तीन, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बट तो क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का अंतर है इसलिए। और फाइनल डेक्लिनेशन लैटिट्यूड जो है वो हमारा DR लैट ही है, जो कि हमारा DR लैट ही है, एज यू कैन सी कि DR लैट 26, 27, 7 और 130, 29 west। तो ये हमारा असल में क्वेश्चन है कि किस तरीके 848 पे हम 29 नवंबर को 1992 में DR इतने और इतने में थे। तो द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वेयर मेड अबाउट द सन लोअर लिम, सन लोअर लिम। तो हमने तीन सेक्सटेंट एल्टीट्यूड तीन GMTs पे ले लिए थे, तीन सेक्सटेंट एल्टीट्यूड्स थ्री GMTs। तो थ्री GMTs के बाद हमने क्या कर लिया, यहाँ पे थ्री GHAs आ गए, थ्री डेक्लिनेशंस आ गए, सेक्सटेंट एल्टीट्यूड थ्री आ गए थे, इनको हमने कैलकुलेट करके तीन ट्रू एल्टीट्यूड निकाल लिया। ट्रू एल्टीट्यूड को पी से हमने कैलकुलेट कर लिया पी। अब पी से LHA GHA ऑब्जर्व लॉन्ग हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर दोज हु डोंट नो, तो मतलब जिनको पता नहीं है उनके लिए, मतलब पता क्या, जनरली सबको पता ही होता है। तो जैसे एंगल पी आ गया, तो एंगल पी के साथ क्या होता है कि क्या हियर कि पी इज इक्वल टू 40 डिग्रीज 43.2 मिनट्स अब बिफोर मर पास। सो LHA इज इक्वल टू 360 माइनस पी, तो जो हमारे पास LHA आ गया दैट कम्स 319 16.8। तो ये हमें यहाँ पे हमारा डायरेक्ट LHA लिख दिया है, तो वी शुड यस यहाँ पे ये डायरेक्ट LHA लिख दिया है, तो वी शुड नो कि वो कहाँ से आया था। तो दैट ये वाला जो LHA है ये वहां से आया था, कहां से, ये वाला जो LHA है दिस इज कमिंग फ्रॉम हेयर, कि पी जो है वो 40 डिग्री 43.2। तो अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बी सेम सेम क्वेश्चन है, सेम एम्पलीट्यूड, यू कैन से ट्रू एल्टीट्यूड इतना, लैटिट्यूड इतना, ये सब इतना, तो इट इज ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है बस। तो 40 डिग्री सेम क्वेश्चन का ही दिखाया हुआ है ये मैंने, बट डिफरेंट पेजेस पे आएंगे। तो पी इज इक्वल टू 40 43 बिफोर मर पास LHA इज इक्वल टू 360 माइनस पी, कर दिया LHA आ गया, GHA ऑब्जर्व लॉन्ग सिंपल, यहाँ पे भी वही कह दिया पी LHA GHA ऑब्जर्व लॉन्ग निकाल लिया, ऑब्जर्व लॉन्ग ये निकाल लिया, यहाँ से भी इन्होंने निकाल लिया, फिर बाद में से कन्वर्ट करके डिग्रीज में वेस्ट 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 लिख दिया। अब यहाँ पे 6 4 5 आ गया, तो इन्होंने 6 4 और 5 आ गया, इन्होंने एवरेज ऑब्जर्व लॉन्ग निकाल लिया, जो एवरेज था ऑब्जर्व लॉन्ग वो 848 का आ गया, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमें व्हाट वी हैव टू डू कि एजिमथ निकालना पड़ेगा PL निकालने के लिए। तो ABC फॉर्मूला, AB और यहाँ पे टैन एजिमथ का फॉर्मूला जो 1/C cos ऑफ लैट है ये लिखा हुआ है, ABC कैसे हैं ये लिखा हुआ है, PL आ गई यहाँ पे। तो इसमें लैट और पी तो सबको पता ही है, मैंने यहाँ पे ये भी पुट अप कर दिया है कि हाउ वी हैव टू गो अबाउट इट, कि इफ LHA इज लेस देन 180 देन पी इज इक्वल टू LHA। और ये है इसमें नेमिंग ए एंड बी एन एजिमथ इज एज स्टेटेड बिफोर, पी ग्रेटर देन 90 होगा देन माइनस साइन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ए इज टू बी इग्नोर्ड एज बाई चेंजिंग द नेम। तो ये AB के हैं और यहाँ पे तो हैव अ साइन का है, तो जनरली मैं तो हैव अ साइन से नहीं करना चाहता करता हूँ, बट वहाँ से ABC को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सबको पता है। और ये वाला फॉर्मूला जो है इसमें डेक लैटिट्यूड एंड डेक सेम नेम माइनस कॉन्ट्रेरी नेम प्लस, तो इसका अपोजिट होता है इंटरसेप्ट में, लैट एंड डेक जो है वो सेम नेम, तो एस से सेम एस से सब्ट्रैक्ट, मैंने लैटिट्यूड लॉन्ग बाई क्रोन का ऐसे याद करके रखा है कि एस से सेम तो सब्ट्रैक्ट, तो लैट और डेक लॉन्ग बाई क्रोन का याद कर लें तो उसका बाकी का याद हो जाता है। तो इसमें लैट और डेक सेम नेम है तो ये सब प्राप्त हो जाएगा, कॉन्ट्री नेम है तो प्लस हो जाएगा। तो ये इस तरीके से, तो इसको आप फाइनली बोलना कैसे, ये तो मैंने बस थोड़ा सा समझा दिया कि इस तरीके से करना है, बोलना किस तरीके से। तो मॉर्निंग लॉन्ग बाई मॉर्निंग लॉन्ग बाई क्रोन से किस तरीके से लेंगे कि फर्स्टली द सन शुड बी एट द प्राइम वर्टिकल सर्कल, सो वट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट द टाइम वेन द सन विल बी एट द प्राइम वर्टिकल। तो प्राइम वर्टिकल पे वो 27 डिग्री या कुछ भी हो सकता है एज द एग्जाम्पल स्टेट्स। तो
इसमें एग्जाम्पल की तरह भी कि सर एज द एग्जाम्पल वॉज गिवन इन द सुब्रमण्यम बुक, तो उसमें ये बता करके भी वी कैन से कि इट वॉज 27 डिग्री, तो प्राइम वर्टिकल पे आ गया. तो फर्स्टली कि वेन द सन विल बी लॉन्ग बाय ग्रोन वी कैन टेक वेन द सन विल बी एट अ प्राइम वर्टिकल सर्कल. ओके नाउ प्राइम वर्टिकल सर्कल वी विल कैलकुलेट द टाइम वेन इट विल बी एट प्राइम वर्टिकल सर्कल. वी विल प्रिपेयर आवर सेक्सटेंट एंड वी विल प्रिपेयर आवर सेक्सटेंट एज वेल एज वी विल चेक द क्रॉस चेक द बियरिंग. वेन द बियरिंग इज 090 वी विल टेक थ्री साइड्स. We will take three sides. Which three sides? Here. Three sextant altitudes we will take. Not three sides. Three sextant altitude I mean. Okay, three sextant altitudes we will take. We are taking three because there will be less chances to. Less chances of making mistakes. Uske baad, we know the GMT. From GMT, we can calculate GHA, declination. GHA and declination of the sun. And from the sextant altitudes which we had three, so we can calculate true altitude three. Then cos of P we can calculate by this formula, and if same name then subtract, opposite name then minus. The formula thoda sa agar yaad karke bolen to it will be also isko aata hai. Otherwise by using the formula cos we can determine angle P. Or by angle P, if it is before Merpus, then it will be 360 degree, this one. Before Merpus, then LHA will be 360 minus P. So, we know the LHA and we know the GHA. Then we know the observed longitude. We will calculate observed longitude. And as we have taken the three sides, 1, 2 and 3, we can take average of the observed long. And this will be our observed long at 848. And then, by A, B and A, B, we can calculate the true azimuth, and we know the azimuth, the PL will be perpendicular to it. So this is how we will calculate observed long at 848. So this is how we have to say. Isme ye hai ki sun ka jo height hoti hai, sun ka jo sorry lower limb hota hai, that is बोलते हैं कोई कि 18 मिनट्स होगा 20 मिनट्स होगा या टू टाइम्स डायमीटर, ये सब नहीं होता है इसमें. दैट इज इन द केस ऑफ एजिमथ, नॉट एजिमथ, एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड वाले केस में होगा, मगर इसमें नहीं होगा क्योंकि एम्पलीट्यूड वाले केस में ये सब होता है. इस वाले केस में नहीं होगा, उसमें रैशनल होराइजन पे होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड जब यहाँ पे निकाल रहे हैं ये वाला, दैट टाइम होना चाहिए दैट टाइम. तो वहाँ पे वो 18 मिनट्स होता है. इट इज़ नॉट टू टाइम्स डायमीटर थ्री टाइम्स. इट इज़ रिटन इन द प्रिंसिपल कि वो 18 मिनट्स होना चाहिए. तो 18 मिनट्स इज द एग्जैक्ट वैल्यू जो भी उसमें मैंशनड. आई विल शो यू वैन आई विल मेक फॉर द एम्पलीट्यूड बाई सन ऑल्सो. तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉन्ग बाई क्रोन. तो इस तरीके से वी कैन डू इट. सो जस्ट फॉर अ ग्लैंस, पहले तो हमें पता लग गया प्राइम वर्टिकल सर्कल पे टाइम हमने निकाल लिया. आफ्टर द टाइम वी टेकन थ्री सेक्सटेंट एल्टीट्यूड्स. तीन सेक्सटेंट एल्टीट्यूड निकाल के हमने फिर उनका GHA निकाल लिया. तीन सेक्सटेंट एल्टीट्यूड ट्रू एल्टीट्यूड निकाल लिया और डेक्लिनेशन कैलकुलेट कर लिया. कॉस ऑफ P कैलकुलेट कर लिया. P से P अगर बिफोर मर्पस है तो 360 डिग्री माइनस P, मतलब राइजिंग के टाइम. बिफोर मर्पस का मतलब राइजिंग है और आफ्टर मर्पस का मतलब है सेटिंग है. तो 360 माइनस P से हमने LHA कैलकुलेट कर दिया. GHA आ गया हमारा, ऑब्जर्व लॉन्ग आ गया हमारा. और ए बी सी यूज करके हमने ए बी और टैन ऑफ एजिमथ में सी यूज करके वी हैव डिटरमाइंड आवर एजिमथ और देन वी हैव आवर पी एल ऑल्सो. सो दैट्स इट. फाइनली ऑब्जर्व लॉन्ग इज ऑब्टेंड एट 0848. तो वी हैव एन एवरेज ऑब्जर्व लॉन्ग हियर द सेम, नथिंग. थैंक यू.